WDR मॉडल का डेमो होने जा रहा है, वॉशर ड्रायर एंड रिफ्रेश मॉडल का। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट आपको कपड़े डालने होंगे, कपड़े डालने के बाद में आप यहाँ डिटर्जेंट डाल सकते हैं। तो ये अगर इस जगह पर एक छोटी सी एक सेप बनी हुई है वो अगर नीचे की तरफ रहे तो आप यहाँ पर लिक्विड डिटर्जेंट डाल सकते हैं, और अगर आपको पाउडर डिटर्जेंट डालनी है तो आप इसे ऊपर कर सकते हैं। एंड ये सबसे फर्स्ट वाली चैम्बर ये प्री वॉश चैम्बर है, वॉशिंग के पहले जो नॉर्मली वॉश करने के लिए, मतलब डबल वॉश करने के लिए जब आपको डिटर्जेंट की ज़रूरत पड़े तब आपको यहाँ और यहाँ दोनों तरफ आपको डिटर्जेंट डालनी होगी। सॉफ्टनर के लिए आप यहाँ पर डाल सकते हैं सॉफ्टनर, एंड रिफ्रेश कोई भी फ्रेगरेंस अगर आप यूज़ करते हैं तो फ्रेगरेंस आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब आप डिस्प्ले में अगर आते हैं तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट आपको पहला काम करना है ऑन करना है, एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोग्रामिंग्स दिख जाएंगे, जिधर आप टर्न करना चाहे टर्न करके आप मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब आप प्रोग्रामिंग्स को अगर देखें तो प्रोग्रामिंग को गौर करें तो हर प्रोग्राम के नाम से आपको किस प्रोग्राम का कौन सा कैसा काम होता है वो पता चल जाएगा। एक्सप्रेस 15, रेगुलर के कपड़े के लिए आप एक्सप्रेस 15 का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर कम गंदे कपड़े आप धो सकते हैं। नेक्स्ट है मिक्स डेली, मिक्स डेली में आप रेगुलर के गंदे, थोड़े ज़्यादा गंदे कपड़े भी आप मिक्स डेली में वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉटन, कॉटन में सिर्फ कॉटन के कपड़ों के लिए बनाया गया है। एंड नेक्स्ट सिंथेटिक आती है, सिंथेटिक में आप सिंथेटिक के कपड़े को वॉश कर सकते हैं। एंटी एलर्जन, यहाँ पर पेशेंट अगर हो घर में तो पेशेंट के कपड़ों को आप एंटी एलर्जन में वॉश कर पाएंगे आराम से। बेबी वियर, छोटे बच्चे के कपड़े को धोने के लिए आप बेबी वियर का यूज़ करेंगे, बल्की के लिए, बल्की में आप बड़े कपड़े बेडशीट्स कर्टन्स टाइप कपड़े आप धो सकते हैं। नेक्स्ट इस तरफ अगर आते हैं तो वुलेंस में आप सिर्फ वुलन के कपड़े वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्रेडल वॉश, हाईली डेलिकेट वॉशिंग के लिए आप क्रेडल वॉश का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक ये एक्सप्रेस से लेकर के आप क्रेडल वॉश तक जितने भी कपड़े आप, जितने भी प्रोग्रामिंग्स आप यूज़ करेंगे ये सारे वॉशिंग वाले साइकिल्स है, जिसमें वॉश रिंस एंड स्पिन होती है, इसमें ड्राई नहीं होती है। अगर आपको ड्राई करना हो तो अलग से आप ऐड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अब इसी प्रोग्रामिंग्स पर ही आगे बढ़ते हैं तो पावर स्टीम एक साइकिल है, यहाँ पर वॉश प्लस स्टीम आपको मिलती है, यहाँ पर भी आपको ड्राई नहीं मिलती है। आपको वॉशिंग के साथ साथ अगर स्टीम चाहिए तो आप पावर स्टीम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं रिफ्रेश, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टीम के लिए यूज़ की जाती है। तो ये साइकिल एक ऐसी साइकिल है ड्राई वॉश के लिए यूज़ होगी, यहाँ पर कपड़े वॉशिंग नहीं होती है, सिंपली आपको एक थोड़ा सा पानी आता है जो आपको सिर्फ स्टीम क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है, और वहाँ पर आप सिर्फ कपड़े को ड्राई वॉश दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ऊपर से लेकर के तीन साइकिल्स आप देख सकते हैं, वॉश प्लस ड्राई 2 आवर, वॉश प्लस ड्राई 4 आवर, एंड वॉश प्लस स्टीम एंड ड्राई। तो वॉश प्लस ड्राई 2 आवर में आप हल्के कपड़े एंड वॉश प्लस ड्राई रेगुलर के गंदे कपड़े, और 2 आवर का ये टाइमिंग लेकर के वॉशिंग एंड ड्राई दोनों ही मिलती है आपको। तो आप इसमें जो भी हल्के कपड़े आते हैं वो आप वॉश प्लस ड्राई 2 आवर में कर सकते हैं, अगर थोड़े हेवी कपड़े हो गए तो आप वॉश प्लस ड्राई 4 आवर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस जगह पर आपके थोड़े हेवी कपड़े एंड वॉशिंग एंड ड्राई दोनों ही आपको मिलने वाली है। स्टीम एंड ड्राई, स्टीम एंड ड्राई में वॉशिंग प्लस स्टीम एंड ड्राई तीनों चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो इस तरह से आपको जो भी साइकिल्स की ज़रूरत पड़े आप टर्न करके उस साइकिल पर पहुँच करके आप स्टार्ट करेंगे तो वो साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ कुछ डिस्प्लेस में भी दिखती है, क्या क्या दिखती है वो देख लेते हैं। तो एक्सप्रेस, जैसे मैंने अभी यहाँ एक्सप्रेस किया, एक्सप्रेस में यहाँ टाइम दिखती है, केजी दिखती है, यहाँ टेम्परेचर दिखती है, एंड यहाँ पर RPM उसकी रिवॉल्यूशन पर मिनट दिखती है। तो इस जगह पर आपको पहला टाइम दिखता है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर 2.5 kg कपड़े का लोड दिखता है, ये बेटर वॉशिंग क्वालिटी के लिए, एंड सूखे ड्राई वेट यहाँ पर आपको बताए जाते हैं। देन यहाँ पर आपको वाटर टेम्परेचर मिलती है, जब आपकी इस साइकिल में कितना पानी गर्म होगा वो आपको बताता है, एंड रिवॉल्यूशन पर मिनट मशीन कितनी स्पीड में घूमेगी उसके बारे में यहाँ आपको जानकारी देती है। तो आप यहाँ से कुछ भी किसी भी साइकिल में जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर अभी मिक्स डेली में आता हूँ तो यहाँ पर हर साइकिल में आपको अलग अलग चीज़ें दिखती है। तो इस तरह से अब यहाँ पर भी कुछ बटन से, उस बटन से आप किसी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप आए तो यहाँ टेम्परेचर का एक बटन है, टेम्परेचर के बटन से आप टेम्परेचर को अपने ज़रूरत अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर RPM स्पीड दिखती है, तो आपको RPM की में स्पिन के बटन से आप RPM की स्पीड को कम ज़्यादा जो करना चाहे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्लस माइनस का एक बटन दिखता है, और उसके नीचे में छोटी सी एक डिले स्टार्ट लिखी हुई दिखती है। ये डिले स्टार्ट मशीन को कुछ देर बाद शुरुआत करने के लिए, मतलब मशीन को थोड़ा डिले करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको मान लीजिए साइकिल को 2 आवर्स के बाद आपको स्टार्ट करनी है तो आप यहाँ से प्लस या माइनस से आप यहाँ पर टाइम बढ़ा सकते हैं, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, जितने भी चाहिए आप टाइम बढ़ा करके
आप मशीन को स्टार्ट करें अगर, तो ये मशीन स्टार्ट हो जाएगी और वो 2 आवर या 3 आवर जो भी आप टाइम सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद वो मशीन स्टार्ट होती है। तो इस तरह से आप यहाँ पर डिले स्टार्ट, टेम्परेचर एंड स्पिन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं ड्राई। तो आपको देखें तो यहाँ पर अभी मैं जिस साइकिल में हूँ, एक्सप्रेस में हूँ, तो यहाँ पर आपको ड्राई जो है, दो तरह की आपको ड्राई दिख रही होगी। ड्राई के ऊपर दो तरह की लाइट जल रही है। हर अलग अलग साइकिल में अलग अलग ड्राई की सिंबल्स चलती है, यानी कि आप यहाँ पर बहुत तरह के ड्राई कर सकते हैं। कैसे कैसे ड्राई कर सकते हैं वो देख लीजिए। सबसे फर्स्ट है यहाँ एक आयरन का सिंबल बना है, ये आयरन ड्राई है। नेक्स्ट है टाइम, एक क्लॉक का सिंबल बना है, तो ये आपका टाइम ड्राई का काम करता है। नेक्स्ट थर्ड वाली जो है वो कवर ड्राई का काम करती है। फोर्थ वाली एक बटरफ्लाई बनी है, ये जेंटल ड्राई है, जहाँ पर आपको बहुत सॉफ्टली एंटी क्रीजिंग के लिए रोकने के लिए, एंटी क्रीजिंग को रोकने के लिए, एंटी क्रीज के लिए इस साइकिल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इको ड्राई, जहाँ पर आप मशीन में इलेक्ट्रिसिटी की कम कंजप्शन करके आप ड्राई कर सकते हैं। एंड सबसे लास्ट में यहाँ पर एक फ्लावर का सिंबल बना है, ये है एरोमा ड्राई, जहाँ पर आप फ्रेग्रेंस से आप ड्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो भी ड्राई चाहिए आप यहाँ ड्राई से, जहाँ पर ड्राई नहीं है जिस साइकिल में, वहाँ पर आप ड्राई यहाँ से चाह करके अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको जितनी देर ड्राई चाहिए। नेक्स्ट इस तरह से आप यहाँ पर डिले, टेम्परेचर, स्पिन एंड ड्राई सारे सेलेक्ट करके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऊपर वाले बटन्स में आए तो ऊपर वाले बटन में फर्स्ट वाली वाईफाई की है, अगर आप फ़ोन से चाहे तो फ़ोन से भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको माई IFB ऐप डाउनलोड करना होगा एंड माई IFB ऐप में आपको रजिस्टर्ड करके वहाँ पर आपको फ़ोन से कनेक्ट करने का आपको ये मिल जाएगा कि आगे आगे स्टेप बाय स्टेप वो खुद से बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर फेवरेट एंड इको, ये आपको एक नया चीज़ यहाँ मिलने वाला है। एक है सबसे फर्स्ट वाला जो सिंबल है, एक लीफ का सिंबल है, वो इको का सिंबल है। एंड सेकंड जो फेवरेट एक हर्ट का सिंबल है, वो फेवरेट का सिंबल है, जिसमें आप यहाँ पर किसी भी साइकिल में जाएंगे। जैसे मैं अभी यहाँ एक्सप्रेस में आया हूँ, तो यहाँ देखिए एक ही सिंबल जल रही है, दूसरी सिंबल नहीं जल रही है, यानी कि हम यहाँ पर इस एक को सेलेक्ट कर सकेंगे, दूसरे को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आपको सेलेक्ट करनी है तो कैसे सेलेक्ट करें वो देख लीजिए। तो अगर वन टाइम अगर टच करते हैं तो इको सेलेक्ट होती है, अगर आपको फेवरेट टच करनी है तो आप फेवरेट को प्रेस करके कुछ लंबे समय तक अगर होल्ड करके रखेंगे तो आपका यहाँ पर फेवरेट भी सेलेक्ट हो जाएगा। फेवरेट किस लिए आप सेलेक्ट करें, तो कोई भी प्रोग्राम में अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं तो वो वन टाइम के लिए चेंज होता है, अगर वो चेंजेस को आपको परमानेंट रखनी है तो आप यहाँ पर फेवरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर रिंस और हॉट रिंस, ये रिंस है फर्स्ट वाली, यहाँ पर एक प्लस का सिंबल भी बना हुआ दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर ये जो रिंस है वो रिंस आपका एक्स्ट्रा रिंस के लिए, अगर आपको ज़्यादा रिंसिंग करनी है, अगर आपको गर्म पानी में रिंस करनी है तो गर्म पानी में रिंस कर सकते हो, तो सेम आपको लॉन्ग टर्म तक प्रेस करके रखनी होगी। यहाँ पर आते हैं, आपको स्टीम मिलती है, टब क्लीन का और एक ऑप्शन मिलता है। तो किसी भी साइकिल में अगर आपको यहाँ पर आपको स्टीम का अगर ऑप्शन मिलता है तो आप वहाँ स्टीम सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको स्टीम का एक अलग भी साइकिल्स दिए हुए हैं अलग से, अगर किसी वॉशिंग वाली साइकिल में आपको स्टीम की ज़रूरत है तो आप स्टीम कर सकते हैं। नेक्स्ट है टब क्लीन, मशीन को क्लीन करने के लिए स्पेशली टब क्लीन का यूज़ किया जाता है। तो टब क्लीन के लिए आपका साइकिल्स कहीं भी रहे तो आप यहाँ पर टब क्लीन कैसे सेलेक्ट करें, तो इसे आप अगर लंबे समय तक टच करके रखें तो सेम आपका ये साइकिल आपका टब क्लीन में हो जाता है और ये ऑटोमेटिक स्टीम एंड ड्राई साइकिल पर ये रिमूव हो जाती है। तो इस तरह से आप यहाँ पर टब क्लीन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सबसे लास्ट में है ऑप्शंस एंड एसेंशियल्स। एसेंशियल्स आपको जो भी ज़रूरत पड़े आप ऐप से ज़रूरत अनुसार मंगवा सकते हैं, इसकी IFB की लिक्विड्स वगैरह आती है, डिटर्जेंट। नेक्स्ट आप यहाँ पर ऑप्शंस कैसे सेलेक्ट करें, तो यहाँ पर अभी मैं जिस साइकिल में हूँ एक्सप्रेस, यहाँ पर आपका यहाँ ऑप्शंस के नीचे कोई लाइट नहीं जल रही है, लेकिन मैं अभी किसी दूसरे साइकिल में अगर आऊँ तो यहाँ पर बहुत सारी लाइट जलने लगती है। तो सबसे फर्स्ट वाली जो लाइट है, सबसे फर्स्ट वाली लाइट जो है वो प्री वॉश की लाइट है। आप यहाँ पर चाहे तो कपड़े को धोने के पहले एक बार और नॉर्मल वॉशिंग करने के लिए आप प्री वॉश को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाली जो है वो सोकिंग की साइकिल है, आप कपड़े को भिगो करके रख सकते हैं। थर्ड वाली जो है वो टाइमर सेव की साइकिल है, अगर आप अपने जरूरत अनुसार अगर टाइम सेव करना चाहते हैं तो आप टाइम सेव कर सकते हैं। इस तरह से आपको जो भी साइकिल्स आपको ज़रूरत पड़े वो आप सेलेक्ट करके स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका सबसे लास्ट में आता है टेम्परेचर और स्पिन। इन दोनों बटन को अगर एक साथ अगर होल्ड करके कुछ देर तक अगर होल्ड करें तो यहाँ पे आपको एक चाइल्ड लॉक की सिंबल जल जाती है, इससे आपके बच्चे कोई भी अगर छोटे हो तो वो मशीन में कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे। देन आपको निकालने के लिए दोनों को एक साथ में प्रेस करना पड़ेगा तो ये चाइल्ड लॉक भी आपकी रिलीज़ हो जाएगी। तो इस तरह से आप मशीन का यूज़ कर सकते हैं।
और अगर आपको मशीन के यूज़ करने में कोई भी तकलीफ़ हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।